प्रदेश में होने वाली आपराधिक घटनाओं पर रोक नहीं लगने पर और लगातार अपराध का ग्राफ ऊंचा होने पर पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने कहा है कि पिछले साल की तुलना में इस साल अपराध का ग्राफ और बढ़ा है। सचिन पायलट उदयपुर में निकाय चुनाव को लेकर एक सभा को संबोधित करने आए थे। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, क्योंकि कानून व्यवस्था एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, प्रदेश की सरकार कतई गंभीर नहीं है। लूटपाट, डकैती, फिरौती, अपहरण, बलात्कार, अत्याचार, चेन स्नैचिंग, छोटे मोटे गुनाह छोड़ दीजिए, लेकिन जो गंभीर जुल्म है, क्राइम है, वो पिछले साल और इस साल में लगभग 26-27% बढ़ गए हैं। और लगातार सरकार में की नाक के नीचे जयपुर के अंदर दिन दहाड़े डकैतियां हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर 15 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की थी, एक रोजगार आज तक नहीं दिया, उसकी वादा खिलाफी की है। स्कूलों का एकीकरण हो रहा है, पाठशालाएं बंद हो रही हैं, और हर जगह जो निवेश की बात की जाती है, जो 24 घंटा बिजली देने की बात की जाती है, हर मोर्चे पर सरकार फेल हुई है।